बिल्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ चुकी है साद नज़ीर साहब की तरफ से, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको वो बताऊंगा। इसके अलावा जो डिस्काउंट चल रहा था उसमें अभी क्या चेंजिंग हुई है वो बताऊंगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट अपडेट और डेवलपमेंट का स्टेटस है वो सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है रेगुलर बेसिस पे आपके लिए रियल एस्टेट सेक्टर में अपडेट्स लेके आते हैं, तो आज आपको बताने लगा हूँ बिल्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। साद नज़ीर साहब ने एक तो ये ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने बिल्लू वर्ल्ड सिटी में अभी तक प्लॉट परचेज़ किया है वो इंस्टॉलमेंटली रेगुलर बेसिस पे अपनी पे अदा कर रहे हैं और वो बैलेटिंग में का हिस्सा भी बन चुके हैं, इसके बाद पोजेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह 2024 यानी कि इसी साल के अंदर अंदर 5 से 8 हज़ार लोगों तक के प्लॉट्स को पोजेशन अलॉटमेंट की जाएगी। ये बहुत अच्छी खुशखबरी है जिन लोगों ने बिल्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो लोग ने अभी तक नहीं इन्वेस्टमेंट की वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी को या इन्वेस्टर को, जिन मेम्बरान ने रेडी बिल्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको सबसे पहले तो ये जो उन लोगों को पोजेशन मिलेंगी वो सबसे पहले अपना घर जो घर लोग बनाना चाहते हैं वो जल्दी से यहाँ पे अपना घर डेवलप करेंगे। आबादी है कि यहाँ पे मिनी कमर्शियल भी ऑपरेशनल है कुछ, इंशाल्लाह और भी आई राइज कमर्शियल प्रोजेक्ट काफ़ी सारे बिल्लू वर्ल्ड सिटी के जनरल ब्लॉक 1 में बन रहे हैं, तो इसमें काफ़ी सारी इम्यूनिटीज़ और भी काफ़ी इंशाल्लाह एक्टिवेट हो जाएंगी। इंशाल्लाह 2024 के अंदर वाटर थीम पार्क भी ऑपरेशन हो जाएगा, सेकंड कप ऑफ कॉफ़ी भी ऑलरेडी ऑपरेशन है, बुर्ज अरब का रिप्लिका, और आपको पता है जनरल ब्लॉक में कितनी सारी इम्यूनिटीज़ हैं, और इसके अलावा बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑलरेडी। इसमें जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, इस तरह के बहुत सारे ग्राउंड जो हैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे ऑपरेशन है बिल्लू वर्ल्ड सिटी में। और आबादी जो है ऑलरेडी थोड़ी सी इसमें अभी स्टार्ट हुई है सरीन विलास के अंदर, जो कि बिल्लू वर्ल्ड सिटी का अपना इसमें प्रोजेक्ट था, एक पूरी स्ट्रीट बनाई हुई थी सरीन विलास के नाम से, उसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, वहाँ पे बिजली पानी गैस सारी सहूलियात मैसर ज़िंदगी मौजूद है, मिनी कमर्शियल मौजूद है, मस्जिद जनरल ब्लॉक फेस 1 में एक ऑपरेशन होने वाली है, वहाँ पे फिनिशिंग काम थोड़ा सा ही रह गया है, कमर्शियल बड़े बड़े बन रहे हैं। इसके अलावा गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए जो लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जो उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिए सिर्फ अभी फाइल बुकिंग करवाई है और वो इंस्टॉलमेंट सबमिट करवा रहे हैं करवाना चाहते हैं, और उनके लिए खुशखबरी ये है कि एक तो जिनके पास अवामी ब्लॉक की फ़ाइल है 4.5 महला की जिसमें कटिंग है उसमें आप 60,000 रुपये जमा करवाएंगे हमारे थ्रू, और आपको आगे 83,000 रुपये लेजर में अपडेट होगा, यानी कि आप 60,000 रुपये एक साथ जमा दें हमें सबमिट करवाएंगे, तो आपकी सोसाइटी जो कि ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं, सेम डे आपको रिसीविंग भी मिलेगी, आपका आगे 83,000 रुपये सबमिट होगा। इसके अलावा जिनके पास वाटर फ्रंट ब्लॉक की फाइल्स है जिसमें 6 महला 12 महला 18 महला, यानी कि आप 1,20,000 रुपये देंगे तो आगे आपका 1,69,000 रुपये जमा होगा। इसमें 2 मर्जिंग होंगे, अगर आप लोगों ने एक मर्जिंग करवा ली तो एक और भी करवा सकते हैं। इस तरह स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक में आप इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। उसका ये तरीका कार है, जिन लोगों के पास 20 लाख वाली 5 महला की बुकिंग है वो कुछ अमाउंट हमें KDF की देंगे, उससे इंशाल्लाह कोई थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे के आपको इंशाल्लाह 30,000 रुपये लेजर में अपडेट होगा। मार्केट का रेट ऊपर नीचे होता है तो 25 से 28 के करीब रहता है, 3 से 4,000 5,000 रुपये का डिस्काउंट आपको रहता है स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक में। इस तरह ओवरसीज़ ब्लॉक के जिनके पास फाइल्स हैं वो तकरीबन आप कुछ ब्लॉक ऐसे हैं कुछ यानी कि जिनके पास कुछ ऐसे पेमेंट प्लान हैं जिसमें आप 35% तक पेमेंट में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं, और कुछ ओवरसीज़ के पेमेंट प्लान ऐसे हैं जिसमें आप 50% तक भी इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो फ्रेश बुकिंग चल रही है वो बताते हैं, जो जनरल ब्लॉक फेस 2 में चल रही है जिसमें 5 महला की टोटल कीमत 14,90,000 है, डाउन पेमेंट सिर्फ 1.5 लाख रुपये से है, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट है इसकी 12 से 15 हज़ार। इस तरह इसमें जो वाटर फ्रंट की बुकिंग चल रही है 21 लाख वाली चल रही है, 1,75,000 रुपये डाउन पेमेंट है, 6 महला प्लॉट की, बाकी मंथली इंस्टॉलमेंट है, इसका पेमेंट प्लान भी स्क्रीन पे आपको चल रहा है आप देख सकते हैं। थर्ड वन स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक जिसमें 5 महला प्लॉट 8 महला 10 महला और 1 नाल की कटिंग है, 5 महला की टोटल कीमत 22 लाख है, डाउन पेमेंट सिर्फ 1,50,000 रुपये दे के आप बुक करवा सकते हैं, बाकी 22 से 23 हज़ार रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट आपने 4 साल की आसान एक साल में देनी है। इसमें जब इस सबसे तेज़ डेवलपमेंट हो रही है वो स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक में हो रही है, वाटर फ्रंट ब्लॉक में हो रही है और अवामी ब्लॉक में हो रही है। ये बहुत तेज़ी से अब बिल्लू वर्ल्ड सिटी ने डेवलपमेंट का स्टेटस कर दिया हुआ है, यहाँ पे आप किसी भी टाइम बिल्लू वर्ल्ड सिटी में विजिट करने जाएं तो आपको हमेशा मशीनरी अच्छी खासी नज़र देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी वर्ल्ड टूर सिटी ये बन रही है, तो जिन लोगों ने रेडी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की यही सोच के की तो रेडी इनकी इंशाल्लाह इन्वेस्ट पे ROI काफ़ी अच्छा मिलने भी वाला है,
काफ़ी लोगों को मिल भी गया होगा। जिन लोगों ने फेज़ वन में जब बुकिंग करवाई थी 7 लाख रुपए का प्लॉट था, वो अब 18 से 25 लाख रुपए का प्लॉट है। जिन लोगों ने रेडी आपको जैसे कि बताया इंस्टॉलमेंट बुकिंग करवाई और इंस्टॉलमेंट नहीं सबमिट करवा रहे, तो आपकी फ़ाइल की कोई वैल्यू नहीं है, रद्दी बराबर है। जब तक आप अपनी फ़ाइल में इंस्टॉलमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, वो आप प्लॉट में मैच्योर नहीं होगी। प्लॉट में मैच्योर होगा तो आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलेगा। बाकी किसी भी मालूमात या डिस्कशन के लिए, कोई भी सजेशन लेने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 24/7 हमारी टीम आपके लिए हाजिर है। तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो अपनी राय के सहारे नीचे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। तो हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।